देखिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि शॉर्ट डायपोल पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते सारा का सारा ई था, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो वीक में लग रहा वही सब में लग रहा। ये पहली बार ऐसा केस मिला था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक है वो यूनिफॉर्म नहीं, अलग अलग है। मतलब ये कि याद होगा अगर आपको तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई था, याद आया। यहाँ पे अलग ही फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ का ये अलग है, यहाँ पे अलग ही फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ का ये अलग है, मतलब इसको एफ टू बोल दो। ऐसा इसलिए वैसे ये हम गलत दिखा रहे हैं, एफ वन इधर लगेगा और एफ टू इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो होता है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला केस जो हम लोग पढ़े थे कि डाइपोल को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे यूनिफॉर्म, तो वहां नेट फोर्स नहीं लग रहा था, सिर्फ टॉर्क लग रहा था, क्योंकि जितना यहां इधर आ गया उतना इधर पीछे और बात बराबर। यहां पहली बार चीज बदला है, यहां का फोर्स अलग है और यहां का फोर्स अलग है, तो फोर्स भी नेट फोर्स भी लग रहा है और नेट टॉर्क भी लग रहा है। खैर टॉर्क का बात तो हम लोग जो पिछले डाइपोल वाले केस में करते हैं यूनिफॉर्म वाले में वही रहेगा, बट नेट फोर्स वाला चीज यहां बदलेगा। और यहां नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा पीडीई बाई डी एक्स। डीई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डी एक्स चूंकि हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट डाइपोल के लिए, जो डाइपोल का लेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और शॉर्ट के लिए कंपनी लेंथ हमेशा डी के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अगला हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जब दो डाइपोल आपस में हो तो क्या इंटरैक्शन होता है, इसको हटा ही देता हूं, हटाओ। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, दो डाइपोल आपस में कैसे इंटरैक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, दो डाइपोल आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। मान लो एक डाइपोल है पी वन, दूसरा डाइपोल है पी टू, ठीक है, दो डाइपोल, और दो डाइपोल का एंड टू एंड दूरी है मान लो एक्स, ओवरऑल सबसे डिस्टेंट चार्ज का दूरी। तो इस केस में जो फोर्स आता है एफ टू निकाल देते हैं, मतलब फोर्स ऑन पी टू ड्यू टू पी वन, पी टू पे पी वन के वजह से क्या फोर्स, उसको एफ टू लिख देते हैं, फोर्स ऑन पी टू ड्यू टू। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस सिक्स पी वन पी टू बाई एक्स का पावर फोर, माइनस सिक्स सॉरी के भी है के पी वन पी टू बाई एक्स का पावर फोर। के क्या है भाई, वन बाई फोर का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है। जो यहां याद रखने का चीज है ना वो ये देखो, ये जब दो डाइपोल आपस में से दो चार्ज हो क्यू वन और क्यू टू, इन दोनों पे फोर्स कितना लगता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब दो चार्ज था तो जो फोर्स था वो इनवर्सली आर पर डिपेंडेंट था, डिस्टेंस पे, और जब दो डाइपोल है तो जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे इनवर्सली पावर फोर टाइम्स डिपेंडेंट है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। ठीक है, चलिए डालिए अगला हेडिंग इलेक्ट्रिक प्लस, इलेक्ट्रिक प्लस एफ एल यू एक्स प्लस। चलिए इसे थोड़ा लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक प्लस,
सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं फाई से, फाई फाई या इसको अपने पास साई भी पढ़ते हैं। ध्यान रहे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखा इट इज, हो गया ना, यस सर, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली, क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, ये वो वाला नॉर्मल परपेंडिकुलरली, उसको भी तो नॉर्मल बोलते हैं, ये वो वाला नॉर्मल है, ये आराम का नॉर्मल नहीं है, ब्रैकेट में परपेंडिकुलरली लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिकली जो फाई है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए क्या है एरिया वेक्टर, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है एरिया वेक्टर। और ध्यान रहे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सर्फेस होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, यहां से देखो, ई इज कॉन्स्टेंट, अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आएगा, होगा yes, और यहां से आप बोल सकते हो फाइ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है एंगल बिटवीन ई एंड ए, और ई का फाइ का यूनिट क्या है, फाइ का यूनिट सोचो, देखो फॉर्मूला के बाद सामने है, लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे आज, और इसके बाद अब ये चैप्टर में ज्यादा समय है, ये ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एक आठ टॉपिक और है, और उसके बाद फिर जो पहले का चीज था उसी को वापस से डिराइव करेंगे यूजिंग दिस गॉस लॉ, मतलब नहीं गॉस लॉ तो मेरी प्रोडक्टिव प्लस पढ़ाई कर सर, एंड देन विल बी फाइनल नंबर चैप्टर। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं।
चलिए बच्चा लोग तो उसको ट्राई करिए, पहला वाला तो बहुत आसान है, दूसरा वाला जो है ट्रिक है तो आप ट्राई कर लीजिए, फिर दूसरा वाला बताइए, बट पहला वाला आपको सॉल्व करना है। थोड़ा जल्दी करिएगा, देखिए बच्चों तो ये जो पहला सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक थ्रस्ट है, देखो अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि एंगल एरिया कैसा होता है, तो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और फाई का फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा, थीटा क्या ई और ए के बीच का एंगल, ई इधर है ए इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 कॉस 90 पर। अब इस केस में देखो ये इमेजिनरी सिलेंडर है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है और इस इमेजिनरी सिलेंडर की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। सवाल ये होता है कि जरा बताइए जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लैट सरफेस के क्रॉस कितना है, कर्व सरफेस के क्रॉस कितना है, इन कितना हो रहा है और कितना हो रहा है, सिंपल सिंपल। अगर हम बात करें फ्लैट सरफेस, वो दोनों फ्लैट सरफेस का बात करें, बोथ फ्लैट सरफेस, तो बोथ फ्लैट सरफेस का अगर हम बात करेंगे तो सीधा जीरो हो जाएगा, सीधा जीरो क्यों होगा, जितना फ्लक्स यहां से इंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पढ़े ही थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरिंग परपेंडिकुलरली, याद आ रहा है, तो बस सीधा सा बात है, जितना आया उतना ही गया, नेट नेट कर दे तो कर्व सरफेस के क्रॉस, कर्व कर्व सरफेस के क्रॉस अगर सोचे तो कर्व सरफेस इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा है ना, कर्व सरफेस सीधा है और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कर्व सरफेस ऊपर, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बीच का एंगल लाइन की, तो यहां भी कितना, दोनों में जीरो होने का अलग अलग कारण है, यहां कारण क्या है जितना आया उतना गया इसलिए जीरो, यहां कारण क्या है एंगल, ठीक है, इन कितना हुआ कितना अंदर गया बोलो, बाहर गया का बात नहीं करना, पूछ रहा है कि अंदर कितना गया, अंदर कितना गया सीधा ई ए कॉस थीटा, तो ई ए एरिया कितना है कर्व सरफेस का, यहीं से अंदर गया है पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा, कॉस ई भी इधर है और एरिया भी इधर है, देख रहे हो, इनमें एरिया हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, एरिया हमेशा ही परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, याद रखना एक रूल है कि अगर फ्लक्स अंदर जा रहा है, इफ फील्ड लाइन इज गेटिंग इन, तो कन्वेंशनली
इट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है तो कन्वेंस वाले इसको कैसा ट्रीट करते हैं, नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा लिख लो। ठीक है, तो अंदर आया अंदर आया अंदर आया तो प्लस, और कॉस थीटा इधर ही ई भी है, इधर ही फील्ड लाइन आ गया, इस एंगल जीरो, कॉस जीरो मतलब ई पाई आर स्क्वायर, आउट में भी सेम ही है ई और बाहर, लेकिन अभी पढ़े बाहर वाला के लिए निगेटिव लेंगे, अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, तो बाहर आ रहा है तो निगेटिव, निगेटिव ई पाई आर स्क्वायर। और नेट फ्लक्स बताओ जितना आया उतना गया, अंदर आओ जीरो, उसको लिखो और एक लाइन का आज का ओवर करके। हो गया, लिखिए नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, when placed in uniform electric field is always zero, when placed in uniform electric field is always zero, net flux through closed surface when placed in uniform electric field is always zero, net flux through closed surface when placed in uniform electric field is always zero. ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे।